हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चॉकबोर्ड विद हॉट टेक्स्ट। एंड आई एम स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक प्लान। सो प्लानिंग तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लान। प्लान होता क्या है? तो प्लान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। और वो क्या करता है? आउटलाइन करता है हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, कैसे हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ओके और ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। प्रपोज करता है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इस ऑब्जेक्टिव। कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा या अपने गोल को अचीव करेगा? दिस मे बी मोर देन वन वे एंड मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल। कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर गोल पे पहुंच सकते हैं? बट विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? लॉजिकल प्लान्स के थ्रू। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इजिली अचीव्ड। जो ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो इजिली अचीव्ड हो सकता है। किसके थ्रू? प्लान के थ्रू। तो बढ़ते हैं आगे। सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान सब लोग समझे गए होंगे कि सिंगल मतलब एक बार यूज होने वाला प्लान। ये क्यों बनता है? मेड होता है किसके थ्रू, मतलब क्यों बनता है? नीड ऑफ यूनिक सिचुएशंस। मीट द नीड ऑफ यूनिक सिचुएशंस या स्पेसिफिक सिचुएशंस। ओके इट मे लास्ट वन डे, या तो ये एक दिन के लिए हो सकता है, या लास्ट फॉर वीक्स या मंथ्स के लिए हो सकता है। इफ द प्रोजेक्ट फॉर विच इट इज मेड इज लॉन्ग। प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना लॉन्ग है, उस बिहाफ पे उतना दिन वो चलेगा। या तो वो लास्ट वन डे तक भी खत्म हो सकता है, या तो वो लास्ट वीक तक, या तो मंथ तक। ओके सो सिंगल यूज प्लान की कुछ क्वालिटीज है, फीचर्स है। क्या है? सिंगल यूज प्लान आर यूज ओनली वंस। जैसे कि हमने पढ़ा कि सिंगल यूज प्लान सिर्फ एक बार ही बनता है और एक ही बार यूज होता है। ओके प्रिपेयर टू मेक द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस। क्यों बनता है? क्योंकि स्पेसिफिक सिचुएशन को हम लोग पा सके, या तो प्रिपेयर होता है द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए। दीज आर डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन इज ओवर। जब सिचुएशन ओवर हो जाता है तो ये डिस्कार्ड हो जाता है। एवरी टाइम न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन। हर बार न्यू सिचुएशन के लिए न्यू प्लान मेड होगा। ओके जस्ट लाइक बजट, बजट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग मीन्स रेकरिंग या रिपीट यूज प्लान। स्टैंडिंग आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान। जैसा कि रिपीट यूज प्लान होगा, दिस प्लान फोकस करेगा सिचुएशंस पे विच अकर रिपीटेडली। ये क्या करेगा? सिचुएशन पे फोकस करेगा विच आर जो रिपीट होते हैं। ओके बार बार जो सिचुएशंस रिपीट होते हैं उन पे फोकस करेगा। मतलब ये क्या रहेगा? रिपीट रहेगा, ये रेकरिंग नेचर का रहेगा। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। स्टैंडिंग प्लान जो रहेगा वो यूज होगा ओवर एंड ओवर अगेन। दे आर मेड वंस बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। ये एक बार बनता है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। ओके कुछ फीचर्स हैं इसके, मतलब कुछ क्वालिटीज हैं इसमें। दीज आर रेकरिंग प्लान। ये रेकरिंग प्लान होता है, रिपीटली रिपीटेडली होता है। Used for an indefinite period. Standing plan एक stable nature का होता है, dynamic नहीं होता है। जैसे कि single था कि वो एक ही बार बनता था, फिर उसका जब situation over जाता था वो discard हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है, stable nature का है। Okay? ये क्या है? Stable है। This plan focus on situation which occur repeatedly. Okay? तो this plan act as ये guideline की तरह act करता है for smooth functioning of an organization. Just like example है policy, procedure, rule, method, etc. So, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ना ही स्टैंडिंग होता है ना ही सिंगल होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता क्या है? तो ऑब्जेक्टिव मतलब सेम है, स्मार्ट, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलिवेंट हो, टाइम बाउंड हो। स्पेसिफिक हो और मेजर कर सके हम उसे, अचीवेबल हो, अचीव हो जाए। ऑब्जेक्टिव यही होता है ना। ऑब्जेक्टिव क्यों बनाते हैं? अचीव करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। रेलिवेंट हो, टाइम बाउंड हो, मतलब उतने टाइम तक उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग को अचीव करना है। ओके फीचर्स क्या है ऑब्जेक्टिव्स के? ऑल दी एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? अचीव करने के लिए। सारे एक्टिविटीज क्यों किए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो प्री डिटरमाइंड गोल, ऑब्जेक्टिव टास्क, उसे अचीव करने के लिए। डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। डिटरमाइन होता है कि क्या करना है, और ये किससे इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। किसका एंड रिजल्ट होता है? प्लानिंग का एंड रिजल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी मतलब होता है, क्यों बनाया जाता है स्ट्रैटेजी? टू बीट द कंपटीशन। स्ट्रैटेजी बनाई जाती है
टू बीट द कंपटीशन। मार्केट में अपने कंपटीटर को बीट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। स्ट्रेटजी क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। स्ट्रेटजी ना इधर सिंगल होता है और ना ही स्टैंडिंग होता है। इसके कुछ डिमेंशंस हैं: डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। रिसोर्सेज को एलोकेट करना क्यों? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है? टू बीट द कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटजी के फीचर्स, क्वालिटीज क्या है स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कैसे स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस्ड होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में? बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लुएंस होंगे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसके कंपटीटर जो है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई न्यू चीज कर रहे हैं, जो उसका कंपटीटर होगा वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि हाँ, हमको अगर उनको बीट करना है, उसे बीट करना है, तो हमें भी अपनी न्यू यूनिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो क्या करेगा वो? एक यूनिक स्ट्रैटेजी बनाएगा। क्यों बनाएगा? टू बीट दी कंपटीटर। ओके, देन स्ट्रैटेजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग स्कोप इन लॉन्ग रन। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है ब्रॉड कंटोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान होता है। ये स्टेबल इन नेचर होता है, ये रेकरिंग होता है। तो पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पांस टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है किसी भी एक प्रॉब्लम को हैंडल करने का, कोई एक सिचुएशन को हैंडल करने का, ये जनरल रिस्पांस होता है। ओके, ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने का वे होता है। पॉलिसी मेड होती है हर एक लेवल पे टू डिसाइड the way of handling a situation। कैसे वो किसी एक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, मतलब पॉलिसी क्या है? हर एक लेवल पे बनती है। क्यों बनती है? ताकि कैसे वो अपने अलग अलग सिचुएशन को उसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, एंड पॉलिसी एक्ट एज गाइड टू टेक डिसीजन। पॉलिसी कैसे एक्ट करता है? डिसीजन लेने में। क्या लेने में? डिसीजन लेने में इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। सिंपल से मीनिंग है पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉब्लम को हैंडल करता है। ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना तरीका होता है किसी एक प्रॉब्लम को या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डील करने का, हैंडल करने का। ओके, और पॉलिसी हर एक लेवल पे बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फीचर्स ऑफ पॉलिसीज पे। तो फीचर क्या है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ये किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होता है। मतलब पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को। तो किससे बेस्ड होगा? ऑब्जेक्टिव पे। गाइड मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। मैनेजर को गाइड करना पड़ता है कि वो स्ट्रेटजी बनाए, ओके, पॉलिसीज बनाए, ताकि वो हैंडल कर सके सिचुएशंस को। पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स होता है। अपने तरीके से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे उस प्रॉब्लम को हैंडल करता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।